वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, सो प्लीज डोंट टेक दिस वीडियो सीरियसली। ये टेको क्लब स्टोरी है। ये है किम ते यंग स्टोरी का फर्स्ट फीमेल लीड। प्यार से लोग इसे ते और वी कहते हैं। ये स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड जियोन जांगकुक, फ्रेंड्स इसे जेके बुलाते हैं। ये एक प्लेवर है, ये प्यार में इतना बिलीव नहीं करता। कह सकते हैं हर रोज ये गर्लफ्रेंड बदलता ही रहता है। सुगा जंगकुक का बड़ा भाई, ये बहुत ही अच्छा लड़का है और एकदम भी जंगकुक के जैसा नहीं है। ये जंगकुक को बदलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जंगकुक बदलता ही नहीं। ये स्टोरी का सेकंड मेल लीड है। स्टोरी का सेकंड फीमेल लीड पार्क जिमिन, ते की बेस्ट फ्रेंड। ये बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट हार्टेड है। ये है जंगकुक की फादर आरएम, एक रिच और एस्टेब्लिश बिजनेसमैन। ये जंगकुक की माँ किम सियोक जिन, एक हाउसवाइफ। इन दोनों का लव मैरिज हुआ था और लोग इन्हें नामजिन कह के बुलाते हैं। सुविन, ते की पिता एस्टेब्लिश बिजनेसमैन, ते की माँ यूनजुल, एक हाउसवाइफ। चलो देर न करके स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ते जंगकुक, जिमिना और जेहोप बेस्ट फ्रेंड है। जेहोप भी अच्छा लड़का है। ये चारों फ्रेंड की टीम स्कूल में वेल नोन है। ते जंगकुक को प्यार करता है, ये बात जिमिना और जेहोप को पता है, लेकिन जंगकुक समझता ही नहीं है। वो तो एक प्लेबॉय है। वो वी को जस्ट एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही देखता है और कभी भी ये सोचता ही नहीं कि वी भी उसे प्यार कर सकता है। हाई स्कूल से ही वी जेके को पसंद करता है। जंगकुक प्लेबॉय होने के बावजूद वी उसे पसंद करता है और ये उम्मीद करता है कि कभी ना कभी तो जंगकुक उसके प्यार को समझेगा। इसलिए ही वो 100 से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर चुका है। तू ऐसा क्यों है जेके? तू क्यों नहीं समझता? तू क्या कभी भी नहीं समझेगा मुझे? माँ, मेरी प्यारी मम्मा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ओके ओके, अच्छी तरह से जाना। इसके बाद वी जेके को बुलाने के लिए उसके घर जाता है। आंटी, जेके कहाँ है? वो क्या अभी भी सो रहा है? हाँ, वो अभी भी सो रहा है। हर रोज लेट नाइट कर घर आता है और दिन भर सोता रहता है। मेरी बात तो सुनता ही नहीं। तुम्हारी बात सुनने तो अच्छा ही है। उसे बदलो ना भी, तुम तो इतने अच्छे हो, तो उसे तो बदल पाओगे ना? तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम बदल पाओगे। तुम कोशिश करो ना भी। आंटी, आप हर रोज मुझे ऐसी बातें क्यों कहते हैं? मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन आपके बेटे तो सुनता ही नहीं मेरी बात। ऐसे ही मैं उसे बहुत तंग करता हूँ और फिर उसके लाइफ के पूरी इंडिपेंडेंस को मैं छीनना नहीं चाहता। सॉरी आंटी। ठीक है आंटी, मैं जा रहा हूँ उसे बुलाने। जाओ, और क्या करोगे? नहीं तो वो कॉलेज नहीं जा पाएगा और तुम्हारे भी लेट होगा। इसके बाद जिन अपने मन में कहता है, वी तुम ही एक हो जो उसे बदल पाओगे। वो केवल तुम्हारी ही बात को सुनता है और तुम्हारे ही बारे में सोचता है अपने अनजाने में। जंगकुक, उठ, कब तक सोएगा? आज हमारा असाइनमेंट है, तू भूल गया है क्या? उठ जंगकुक। मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। तू इतना इरेस्पॉन्सिबल क्यों है जंगकुक? उठ, आज हमें असाइनमेंट देना पड़ेगा। उठ जंगकुक। वी, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू ही दे देना ना मेरा असाइनमेंट। वी, मैं 10 काउंट कर रहा हूँ, तो अभी उठ और फ्रेश होने जा। मुझे और तेरा कोई भी बात नहीं सुननी है। वी, तू बहुत गंदा। मैं उठ रहा हूँ। जेके फ्रेश होने के बाद दोनों कॉलेज जाता है। असाइनमेंट के काम जेके अच्छी तरह से नहीं करता है, लेकिन वी के इंटेलिजेंस के लिए वो चारों बच जाते हैं। उन लोगों का क्लासेस समाप्त होने के बाद, बाय बाय फ्रेंड, मैं अब जा रहा हूँ। मुझे आज लिसा के साथ डेट में जाना है। वी, देखो ना, जेके फिर से चला गया। वो कभी भी नहीं बदलेगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मेरा फ्रेंड है, नहीं तो मैं ऐसे फ्रेंड कभी भी नहीं बनाता। तुम उसे क्यों प्यार करते हो वी? वो कितना गंदा है और तुम कितना अच्छे हो। वो तो दोस्ती के ही लायक नहीं है और तुम उसे प्यार कर रहे हो। वो हर वक्त गलतियाँ करता रहता है और तुम छुपाते ही रहते हो। ऐसा कब तक करोगे वी? तुम्हें क्या प्यार करने के लिए और कोई भी नहीं मिला? ओह, मेरी प्यारी फ्रेंड इतनी गुस्सा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और उसे जाने दो, उसका लाइफ उसे एंजॉय करने का पूरा हक है। और मैं क्या करूँ? मेरा दिल सुनता ही नहीं, उसे ही प्यार करता है।
और इतना बुद्धू है कि ये समझता भी नहीं। वी, तुम जेके से इतना प्यार करते हो तो तुम और एक बार ट्राई करो ना, उसे और एक बार समझाने की कोशिश करो। जी मीना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम क्या चाहते नहीं वी तुम्हारा वेस्ट फ्रेंड खुश रहे? हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं एक आइडिया निकलता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, वो फिर से नहीं समझेगा। प्लीज वी, एक बार ऐसे में तो मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ वी लास्ट बार करो ना ट्राई। ओके ठीक है, लेकिन यही लास्ट टाइम। थैंक यू वी। तो अब प्लान सुनो। प्लान सुनने के बाद सारे दोस्त अपने अपने घर चला जाता है। घर पे आकर भी अकेले सोचता है, जेके प्लीज इस बार तो मेरे फीलिंग को समझ जाना। क्या कभी भी जेके वी की फीलिंग को समझ पाएगा और क्या ये प्लान काम करेगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। इतनी देर से मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।